सकते हैं आप लोग। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर भाई ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें फ्रंट एक्सल देखते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, फ्लैट वाला भाई देख सकते हैं आप लोग। सिंगल पीस ट्रैक्टर बनवाट है, इसमें लॉक भी दिया गया है। 255 एनएम भाई ट्रैक्टर का टॉर्क मिलता है। आई सी टी ओ मीटर दिया गया देख सकते हैं आप लोग, जो सादा भी है डिजिटल भी। ट्रैक्टर आगे पीछे होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स, हाई लो मीडियम 3-4। बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त लुक लग रहा है ट्रैक्टर एकदम, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ये भी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है आजकल सभी को, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग भाई। इसके स्टे वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिए गए हैं। सिलेंसर है जो काफ़ी वो गोल सिलेंसर दिया, लंबा सिलेंसर दिया देखते हैं आप लोग, जिससे ट्रक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं भाई। इसका फ़ायदा ये होता है जैसे आपका हाइड्रोलिक का पंप गड़बड़ होता है, फंसने का इसमें कोई सिस्टम नहीं है। नमस्कार भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं सोनालिका DI-55 भाइयों, 4x4 ट्रैक्टर है भाइयों सोनालिका 55 ये देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड मॉडल है सोनालिका का, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है ट्रैक्टर का लुक है, एकदम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लुक लगता है इस ट्रैक्टर का देख सकते हैं आप लोग। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर भाई ये देख सकते हैं आप लोग भाइयों। इसका जो इसका फ्रंट इससे इसका दस्ते हिस्सा है जो काफ़ी ज़्यादा मोटा दे सकते हैं आप लोग। इसका चूल्हा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा हैवी भी चूल्हा दे सकते हैं आप लोग भाई। इसका फ्रंट एक्सल है बुक करा रहा, इसमें फ्रंट एक्सल दे सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, फ्लैट वाला भाई दे सकते हैं आप लोग। और भाई दस्ते इसके जो टर्न भाई उसके रेडियस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ट्रैक्टर, ये कम जगह में काफ़ी स्मॉल कट होता है भाई ये ट्रैक्टर भाई दोस्तों। ये DLX मॉडल है, मल्टी स्पीड ट्रैक्टर भाई ट्रैक्टर है ये भाई। इसका जो एक्सल दस्ते हैं आप लोग, इसमें रिडक्शन दिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है देख सकते हैं आप लोग। सवाल का 55 भाई ये टॉप प्लस ट्रैक्टर है ये देख सकते हैं आप लोग। सिंगल पीस ट्रैक्टर बनवाट है, इसमें लॉक भी दिया गया है, इसमें LED टाइप हाइड्रोजन लाइट है देख सकते हैं। 4x4 भाई उसके जो आगे वाला टायर है वो 9/5/24 के भाई देख सकते हैं, इस ट्रैक्टर में टायर दिए गए हैं 4x4 ट्रैक्टर भाई। इस ट्रैक्टर में पावर स्टेयरिंग है, वो बैलेंस पावर स्टेयरिंग दिया गया है जो इसमें इसमें दोनों तरफ रॉड होती है भाई दोस्तों। इसके चूल्हा है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी दिया गया है दोस्तों आप लोग। और ट्रैक्टर के ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, ट्रैक्टर की धरती से ऊंचाई ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आप लोग भाई। इस ट्रैक्टर में इंजन है वो 4 सिलेंडर का इंजन मिलता है भाई। इस ट्रैक्टर का इंजन का टॉर्क है वो 255 एनएम भाई ट्रैक्टर का टॉर्क मिलता है, जो किसी ट्रैक्टर में नहीं मिलता है, सिर्फ सवाल का आगे ट्रैक्टर नहीं मिलता है दोस्तों आप लोग। यहाँ पे कंपनी लग के दिया है टॉर्क प्लस HDM हैवी ड्यूटी माइलेज भाई। इस ट्रैक्टर का माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा है और ट्रैक्टर कलर देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कलर ट्रैक्टर देख सकते हैं आप लोग भाई। इसमें बॉस कंपनी का इनलाइन पंप लगा हुआ है भाई, इसमें डीजल फिल्टर एक आता है और बाकी इसमें वाटर सेपरेटर मिल जाता है भाई। और भाई देख सकते हैं यहाँ पर भाई, उसमें लोहे का ट्यूबस दिया है और भाई इस ट्रैक्टर के जो इसमें क्लच दिए गए हैं वो डबल क्लच दिया ट्रैक्टर भाई इस ट्रैक्टर में। इसने PTO के लिए क्लच भाई ट्रैक्टर में अलग से दिया देखते हैं, यहाँ पर लिख के भी दिया कंपनी ने IPTO देख सकते हैं मतलब भाइयों देख सकते हैं। और भाई इस ट्रैक्टर DL टैंक है पूरा 60 लीटर भाई ट्रैक्टर में DL टैंक मिलता है भाई। ट्रैक्टर देखने में काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त होता है वैसे भी भाइयों। इस ट्रैक्टर में जो गियर हैं वो हाई लेवल मीडियम आते हैं भाई। इस ट्रैक्टर गियर है वो 12+12 इस ट्रैक्टर गियर मिलते हैं, जो 12 आगे जाने के लिए 12 पीछे जाने के लिए भाई। इस ट्रैक्टर में डिफरेंशियल लॉक भी दिया गया है भाई, आपको मैं दिखाऊंगा ऊपर चढ़ के देख सकते हैं आप लोग। इसका पैरदान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पैरदान दिए गए हैं, वो लगभग लगभग फ्लैट ही है भाई। इसमें जो पैडल वो सादा वाले ही दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं ये भाई। ऊपर चढ़ के बताते हैं ट्रैक्टर में और ट्रैक्टर के बारे में और भी ज़्यादा। तो भाई दोस्तों इसके ट्रैक्टर के मीटर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ट्रैक्टर मीटर दिए गए देख सकते हैं आप लोग, जो सादा भी है डिजिटल भी है भाई। भाई दोस्तों इधर इसकी हाथ वाली ड्रेस है भाई दोस्तों, इधर आज की ये लीवर देख रहे हैं आप लोग। इससे ट्रैक्टर आगे पीछे होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स भाई दोस्तों। इसके जो मेल इसका जो हाई लो वाला गियर लीवर है देख सकते हैं आप लोग, हाई लो मीडियम भाई। इधर इसका है मेल लीवर 1 2 3 4 तो भाई दोस्तों। और इधर देख सकते हैं यहाँ पे इसमें डिफरेंस लॉक भी दिया गया है, जिससे ट्रैक्टर के पीछे टायर एक साथ चला सके भाई। ट्रैक्टर देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देख सकते हैं आप लोग, ऊपर से देख सकते हैं ट्रैक्टर का लुक है एकदम, बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त लुक लग रहा है ट्रैक्टर का एकदम, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देख सकते हैं आप लोग। इसकी सीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सीट होती है भाई जो
बाकी स्विफ्ट की हाइड्रोली है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दी गई है। बाकी दोस्तें इसका फोर व्हील टाइप लीवर है। इधर यहाँ पे दोस्तें इसका हैंड ब्रेक है भाई। इधर इसका पी टी ओ लीवर है और दोस्तें यहाँ पे दोस्तें ये इसका ये पी टी ओ क्लच दिया गया दोस्तें अलग से दिया गया कंपनी ने। ये भी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आजकल सभी कंपनी में आने लगे हैं जी भाइयों। दोस्तों इस ट्रैक्टर की जो पी टी ओ पावर है वो 45.86 किलो वाट की शक्ति पी टी ओ पावर है। सॉरी भाई शक्ति की एच पी है भाई। ये ट्रैक्टर 2022 का मॉडल है दोस्तों, सोनालिका 55 डी आई टॉर्क प्लस इंटरनेशनल ट्रैक्टर भाई। सोनालिका ट्रैक्टर वैसे भी अपने आप में काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है भाई। ये शक्ति में पीछे वाले टायर हैं वो 16/28 के आते हैं, जो MRF कंपनी के टायर हैं भाई। शक्ति में देखते हैं आप लोग 16/28 के टायर हैं भाई शक्ति में भाई। आप इस पर बेट भी ले सकते हैं, कंपनी द्वारा ऑप्शन है। और भाई पिछले से दोस्तों ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है भाइयों। इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर भी आते हैं भाई दोस्तों आप लोग कंपनी द्वारा भाई। इस शक्ति की लिफ्ट कैपेसिटी है वो कंपनी ने पहले से बढ़ा दी है दोस्तों। इसमें दोनों तरफ जैक दिए गए हैं देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग भाई। इसकी स्टेयरिंग आर्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दी गई है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होता है भाई। देखते हैं यहाँ पे इसके इंडिकेटर पीछे वाले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिए गए हैं भाई। यहाँ पर नंबर प्लेट आ सकते हैं आप लोग यहाँ पे भाई। देखते हैं यहाँ पे इसका पाइप भी, इसका पाइप दिया गया है यहाँ पे पीछे, जैसे मडगाटो में वायरसन ना हो बिल्कुल। इसमें पीछे रिफ्लेक्टर भी दिया गया है कंपनी द्वारा, डबल डिस्ट्रीब्यूटर है इसको ऑपरेट करने के लिए। यहाँ पे लीवर भी दिया गया बिल्कुल पीछे है। अब भाई दस्ते यहाँ पे नंबर, यहाँ पे दस्ते लाइट भी दी गई है पार्किंग लाइट, जिसकी पीछे वाली लाइट है बैक लाइट। इंडिकेटर भाई उसमें इंडिकेटर इसमें वो LED के ही आते हैं भाई, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। अब भाई दस्ते इसमें मडगार्ड पर ग्रिल भी दी गई है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है और ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी बनाती है। जिसकी जैसे इसकी कार्रवाई रेस है भाइयों, भाइयों इस शक्ति में ब्रेक है वो तेल में डूबे ब्रेक मिलते हैं भाइयों शक्ति में, जो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक भाई इस शक्ति में ब्रेक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है भाई। जैसे यहाँ पे हाइट जिसकी परफॉर्मेंस लिफ्ट है भाई, शक्ति की लिफ्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ये भाई। कंपनी ने इसमें लिफ्ट की और भी ज़्यादा बढ़िया कर दी है पहले से भाई। इसका जो बैटरी बॉक्स है वो साइड से दिया गया, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, सादा बिल्कुल एकदम भाई। वो शक्ति साइलेंसर है वो गोल सेंसर दिया, लंबा सेंसर दिया है दोस्तों आप लोग, जिससे ट्रैक्टर की आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है भाई। और सबसे अच्छी बात कंपनी ने इसमें इसका पावर स्टीयरिंग का पंप और हाइड्रोलिक का पंप भाई इसमें कंपनी अलग अलग दिए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं भाई। इसका फ़ायदा ये होता है जैसे आपका हाइड्रोलिक का पंप गड़बड़ हो गया तो हाइड्रोलिक को खुलेगा, पावर स्टीयरिंग पंप ख़राब हो गया तो पावर स्टीयरिंग खुलेगा भाई। ये फीचर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। और इसमें दोस्तों हाइड्रोलिक को इसमें हाइड्रोलिक वाला फिल्टर दिया गया है यहाँ पे अलग से, इसके यहाँ पे दोस्तों इसकी सेल्फ है इंजन को स्टार्ट करने के लिए। और भाई दोस्तों बाकी ट्रैक्टर में देख सकते हैं इसकी जो 4x4 रॉड देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से नीचे गई है देख सकते हैं और ये यहाँ पे आके निकली है देख सकते हैं आप लोग भाई। इसमें कवर लगा हुआ है, इसमें कुछ इसमें घास फूस फंसने का इसमें कोई सिस्टम नहीं है भाई। दस्ते सवाल का CM सीरीज DLX मल्टी स्पीड भाई इस शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलती है भाई शिफ्ट में। भाई दस्ते सवाल का इसमें क्रोम में लिखा हुआ है भाई, इसमें ऑयल बाथ वाला एक लिंग मिलता है। तो भाई ये वीडियो पसंद आए वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को भाई सब्सक्राइब करें। और भाइयों दस्ते इसकी कीमत है 10 लाख रुपये भाई शिफ्ट की कीमत रखी गई है। नमस्कार।